पता है, जब मेरे पिताजी यहाँ पहली बार आए थे, बैलगाड़ियां सिर्फ पैथा तक ही चलती थी। पर वो एक बात भूल गए, ये जंगल जानवरों का भी है। I'm here to save the tiger, not kill it. हाय, ये है डम एंगल और आप देख रहे हैं अमेज़ॉन प्राइम पर रिलीज़ होने वाली फ़िल्म शेरनी का प्रीव्यू। बहुत सारे अटकलों के बाद फाइनली विद्या बालन की यह फ़िल्म जून में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने को तैयार है। शकुंतला देवी के हिट होने के बाद विद्या बालन की ये दूसरी फिल्म है जो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने वाली है। फिल्म की स्टोरी लाइन पर ध्यान दें तो विद्या इस बार एक निडर और ईमानदार फॉरेस्ट ऑफिसर का किरदार निभाने वाली है। कहानी का प्लॉट आए दिन हो रहे जानवरों और इंसानों के बीच की जानलेवा भिड़ंत से प्रेरित है। उनमें से एक कहानी अवनी द टाइग्रेस की भी है। कहा जाता है कि अवनी ने 13 इंसानों को मौत के घाट उतारा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस शेरनी को ट्रैंक्विलाइज करके पकड़ने या शूट टू किल का ऑर्डर दे दिया था। 100 लोगों की एक टीम महाराष्ट्र में हुए आदमखोर शेरनी की इस सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन का हिस्सा थे। टीम तो बन गई थी, पर उस खौफनाक रात के बाद उनका क्या हुआ वो कोई नहीं जानता। बस इतना पता है कि अवनी को बचाने के लिए 50,000 से ज़्यादा की भीड़ ने एक पिटीशन फाइल की थी, पर अंत एक शेरनी की मौत से हुई जिसे आदमखोर हमने खुद घोषित किया था। खैर, इस ज़बरदस्त कहानी की शूटिंग मध्य प्रदेश के बालाघाट में की गई है और 2 महीने पहले ही इसकी शूटिंग ख़त्म हुई थी। विद्या के अलावा इस फिल्म में विजयराज, नीरज कभी और ब्रिजेंद्र काला जैसे टैलेंटेड एक्टर्स भी शामिल हैं। अमित मासूरकर द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म ह्यूमंस एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बीच फंसी एक ऑफिसर की कहानी है जो इस बैलेंस को बरकरार रखने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। फिल्म की राइटिंग अच्छी लग रही है, इसलिए होप है कि फिल्म भी अच्छी ही होगी। इस कोविड महामारी में विद्या की ये फिल्म शायद हमें कुछ सुकून के पल दे सके। शेर हमारे घर में नहीं घुसा, हम उनके घर में घुस गए हैं और ये तांडव तब तक चलेगा जब तक कि हमें अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रीव्यू के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी या।